आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। चाल, चरित्र और चेहरा वाली भाजपा में अब टिकटार्थियों की भरमार। पार्टी के प्रति समर्पण गायब, महत्वाकांक्षी हावी, नेता बनने की चाहत बढ़ी। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। चुनाव से पहले लगभग हर एक पार्टी के लिए टिकट का बंटवारा विकट परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ऐसे नेता जो पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से इतर सिर्फ टिकट की आस में पार्टी में रहते हैं, टिकट के बंटवारे की घोषणा होते ही अपना नाम इस सूची से गायब देखकर पाला बदल लेते हैं और दूसरी पार्टियों की नैया में सवार हो जाते हैं। पर जो नेता अवसरवादी नहीं होते, वे पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि मानकर पार्टी में रह जाते हैं। आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने 10 विधायकों शिवशंकर उराम, विमला प्रधान, राधाकृष्ण किशोर, हरकृष्ण सिंह, फूलचंद मंडल, जयप्रकाश सिंह भोक्ता, ताला मरांडी, गणेश गंजू, लक्ष्मण टुडू और गंगोत्री कुजूर का टिकट काट दिया है। इसके बाद 3 विधायक राधाकृष्ण किशोर, फूलचंद मंडल और ताला मरांडी बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं और उन्होंने दूसरे दलों से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। उनके अलावा 2 विधायकों कांके के डॉक्टर जीतू चरण राम और जमशेदपुर पश्चिमी के सरयू राय का टिकट पार्टी ने अब तक रोक रखा है। इसके कारण सरयू राय बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कई अन्य नेता जो टिकट की आस में पार्टी में थे, वे इसकी संभावना खत्म होते देख दूसरे दलों में जा चुके हैं। ऐसी स्थिति ने भाजपा के समक्ष आत्ममंथन का अवसर पैदा किया है। ये पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के लिए सबक है। ये चेतावनी है कि वो जब भी किसी नेता को पार्टी में शामिल कराए तो वो अवसरवादी है कि नहीं और उसकी निष्ठा पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के प्रति है कि नहीं, इसका ध्यान रखे। भाजपा में बागी नेताओं की सियासत के बहाने पार्टी के लिए आत्ममंथन की जरूरत और भविष्य में ठोक बजाकर दूसरे दलों से आए नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की अहमियत पर बल देती दयानंद राय की रिपोर्ट। आसन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले टिकट के बंटवारे के दौरान 10 सिटिंग विधायकों का टिकट कटने से भाजपा में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि वैसे नेता जो पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से परे सिर्फ टिकट की आस में पार्टी में थे, उन्होंने बगावत का बिगुल फूंकते हुए दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। बोरियो विधायक और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ताला मरांडी ने टिकट कटने के बाद झामुमो का दामन थाम लिया। वहीं छतरपुर विधायक राधा कृष्ण किशोर भी आजसू में चले गए। फूलचंद मंडल भी टिकट की आस खत्म होने पर भाजपा छोड़कर झामुमो की शरण में जा चुके हैं। इसी तरह शालिनी गुप्ता और बोलू रानी सिंह भी टिकट मिलने का अवसर समाप्त होते ही आजसू में चली गईं। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री पद संभाल चुके पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम भी बागी रुख अख्तियार करते हुए झामुमो के हो चुके हैं। इन्हें आस थी कि लातेहार से पार्टी सिटिंग विधायक प्रकाश राम को टिकट न देकर इन पर विचार करेगी, पर पार्टी ने प्रकाश राम पर भरोसा करते हुए उन्हें टिकट देना अधिक बेहतर समझा। बैद्यनाथ राम ने भाजपा के टिकट पर लातेहार से जीतकर झारखंड का शिक्षा मंत्री बनने का सुख हासिल किया था। बरकट्ठा के भाजपा नेता अमित यादव भी बागी हो चले हैं। जयप्रकाश सिंह भोक्ता भी नाराज हैं। उमाशंकर अकेला और फूलचंद मंडल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इन नेताओं ने ये साबित कर दिया है कि इनका पार्टी में रहने का एकमात्र मकसद टिकट लेना था और भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों पर चलने का इनका वादा महज जुमला था। हालांकि इस विरोध को मैनेज करने में पार्टी नेता सौदान सिंह और मंगल पांडे लगे हुए हैं और ये उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि 10 में से सिर्फ 3 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार किया है। पर इन परिस्थितियों ने भाजपा के लिए आत्ममंथन का अवसर तो पैदा कर ही दिया है।
वो ये विचार कर ले कि अब अगली दफा जब वो नेताओं को पार्टी में शामिल करेगी तो उनके चाल चरित्र और चेहरे पर अच्छी तरह विचार करके ही करेगी, क्योंकि पार्टी की पहचान एक कैडर बेस्ड पार्टी की रही है और कार्यकर्ताओं तथा नेताओं की पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण पार्टी में रहने वालों के लिए अनिवार्य शर्त सी रही है। भाजपा में क्यों मची भगदड़? विधानसभा चुनाव में 65+ का लक्ष्य हासिल करने में जुटी भाजपा ने अपने विधायकों की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए 3 सर्वे कराए थे। इन सर्वे रिपोर्ट में पार्टी के कई विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद भाजपा ने करीब 14 विधायकों का टिकट काटने का निश्चय किया था। उनमें से 10 का टिकट पार्टी काट चुकी है, जबकि अभी 2 का टिकट होल्ड पर रखा है। 23 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित महामिलन समारोह में दूसरे दलों से जो नेता शामिल हुए उनमें से अधिकांश को पार्टी ने टिकट दे दिया। फिर चाहे वो कुणाल षडंगी हों या कांग्रेस के मनोज यादव, झामुमो के बागी जयप्रकाश भाई पटेल हों या भानु प्रताप शाही, पार्टी ने कांग्रेस से आए सुखदेव भगत को भी टिकट देकर उनसे किया अपना वादा निभाया। इससे पहले भी पार्टी के नेताओं की एक बड़ी जमात शामिल हुई। इसके बाद भाजपा ने टिकट बंटवारे में अपने कई विधायकों का टिकट काट दिया है और पार्टी में भगदड़ मच गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपने 4 सांसदों का टिकट काट दिया था। खूंटी से कड़िया मुंडा, गिरिडीह से रविंद्र पांडे, कोडरमा से रविंद्र राय और रांची से सांसद रहे राम टहल चौधरी का पार्टी ने टिकट काटा था। खूंटी से पार्टी ने कड़िया की जगह अर्जुन मुंडा को प्रत्याशी बनाया और यहां से जीतकर अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री बने। राम टहल चौधरी की जगह पार्टी ने जब खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ को प्रत्याशी बनाया तो राम टहल चौधरी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। लोकसभा चुनाव में वो अकेले लड़े और हार गए। संजय सेठ ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय को हराया और पहली बार संसद पहुंचने में सफल रहे। इस दौरान सिर्फ राम टहल चौधरी के बागी तेवर अख्तियार करने से पार्टी की अधिक किरकिरी नहीं हुई और पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। पर अब जिस तरह से थोक के भाव में नेता और विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उससे विपक्षी दलों को भी बोलने का मौका मिल गया है। भाजपा में हुई भगदड़ ने ये साबित कर दिया है कि पार्टी में ऐसे नेता भी अपना ठिकाना बनाकर रह रहे थे जिनको पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं था। इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था और सत्ता की मलाई हासिल करने से मतलब था। जैसे ही इन्हें ये मौका हाथ से निकलता दिखा इन्होंने पार्टी छोड़ने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाया। भाजपा के लिए ये परिस्थिति ये समझ विकसित करने की है कि किसी भी पार्टी से आए नेता को खुद में समाहित करने से पहले वो उसके चाल चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह से परख ले, पार्टी के प्रति वो निष्ठावान है या नहीं इसकी पहचान कर ले, वरना ऐसी परिस्थितियां पार्टी के समक्ष असहज परिस्थितियां उत्पन्न करती रहेंगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।